प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जो इस वक्त बंगाल के दौरे पर हैं, 48 महत्वपूर्ण सीटों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर बनी हुई है और अब उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान से एक बार बंगाल की सियासत में फिर से खलबल मच गई है नरोत्तम मिश्रा जी इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई साहब तो बंगाल के आप दौरे पर हैं 48 सीटों की जिम्मेदारी आपके पास है लेकिन आपके बयान बंगाल की सियासत को हिला रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बंगाल में आपने बयान दे दिया है इस बयान के बाद पूरी चर्चा देश में हो रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो जिहाद कानून और गौहत्या का कानून भी पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा वो राजनीतिक बयान नहीं है वहां की जो परिस्थिति है उसको देखकर मेरे मन से वो बयान निकला है कई लोग मैं तीसरी या चौथी बार अभी प्रवास पे था वहां के जब नीची बस्तियों में जाते हैं खासकर गरीब बस्तियों में जब जाते हैं वहां पर और जब चर्चा करते हैं तो इस तरह के मामले देखने को आते हैं कि वहां धर्म स्वातंत्र विधेयक की आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह से लालच से प्रलोभन से डरा के धमका के धर्म परिवर्तन कर लेते हैं शादी के बाद में तो ऐसा मुझे महसूस हुआ तो मैंने कहा कि मैं जब सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह यहां पर भी धर्म स्वातंत्र विधेयक लेके आए जिसको आप लोग लव जिहाद कहते हैं नहीं तो ये तो ये तो बीजेपी का एक तरह से एजेंडा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां जिहाद कानून लागू किया जा रहा है और अगर वहां पर नहीं है तो बाकायदा विशेष तौर पर संसद में पास कराकर उसे लागू किया जा रहा है गोवा को लेकर बीजेपी की सरकार जहां जहां वहां पहले से लागू कर रही है तो उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है लेकिन चुनाव के ठीक पहले अगर ये बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि वहां तमाम तरह के समीकरण है समीकरण वहां ओबीसी का भी है समीकरण वहां मुस्लिम वोटरों का भी है समीकरण वहां हिंदू वोटरों का भी है तो ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अगर आपने ये बयान दिया है तो कहीं ना कहीं इसे एक ध्रुवीकरण के तौर पर देखा जा रहा है मनोज भाई साहब भारतीय जनता पार्टी वोटों को ध्यान में रखकर राजनीति नहीं करती जी। अगर हम वोटों को ध्यान में रखकर राजनीति करते तो धारा तीन सौ सत्तर जब हटाते जब देश के अंदर या देश के किसी प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे होते हम पैंतीस है तब नहीं हटाते जब देश के अंदर या प्रदेश के अंदर कहीं चुनाव हो रहे होते तब हटाते हम ट्रिपल तलाक लाए तब देश में कहीं चुनाव नहीं था हमने राम मंदिर का जब शिलान्यास किया तो देश के अंदर कहीं चुनाव नहीं था चुनाव को ध्यान में रख के नहीं हम परिस्थितियों को ध्यान में रख के बोलते हमारा एजेंडा हमारा ध्येय हमारा उद्देश्य राष्ट्रवाद ही है राष्ट्रवाद ही था और राष्ट्रवाद ही रहेगा देश हमारे लिए सर्वोपरि है देश आपके लिए सर्वोपरि हालांकि तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां उनके राजनेता भी कुछ इसी तरह का जिक्र करते हैं जेपी नड्डा साहब पहुंचने वाले हैं अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं अड़तालीस सीटों की जिम्मेदारी आपकी है क्या किसी को छोड़ोगे ममता बनर्जी की पार्टी में या सारे के सारे आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा देंगे जी हमारे गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी कह चुके हैं कि ममता जी अकेली रह जाएंगी चुनाव आते आते तक तो ये तय है कि वो लगभग अकेली हो जाएंगी चुनाव आते आते तक दरअसल आदरणीय मनोज जी वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां पर ममता जी जी नाम के लिए रह गई हैं काम का तो मामला अलग ही है काम तो वहां माफियाओं का राज है बालू माफिया दारू माफिया कोल माफिया भू माफिया, ये एक काकस है वहां पर और ये काकस के सरगना वहां पर उनके भतीजे और उनके भाई हम्म। जो इन जिनकी बैठकें रोज होती है भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य हो रहा है वहां पर कोई धनी धोरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर हमलों की साजिश बनती है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विजयवर्गीय जी तक पर हमले हो गए वहां अरविंद मेनन जी राष्ट्रीय मंत्री हैं उनके ऊपर हमले करने की कोशिश की हुई जो चिंता का विषय भी, भी है और निंदा का विषय भी, भी है लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता है जैसा वहां किया जा रहा है लेकिन अभिषेक तो कहते हैं कि मैंने कोई वसूली नहीं की और अगर कोई भी व्यक्ति इसके सबूत दिखा दे और ये साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और क्या कहेंगे वो और रिश्वत का क्या सबूत होता है तो 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 ये पूरे बात तो वो भी वो सकते हैं। ये, ये बात बात तो वो वो भी भी सकते सकते हैं। हैं। रिश्वत का क्या सबूत हो सकता है हम तो वो हमारे बारे में वो हम हमारे हमारे बारे में वो कैसे कहेंगे हम तो वहां सरकार में कभी रहे ही नहीं है आजादी के बाद से आज तक वहाँ चौतीस साल तक कम्युनिस्ट रहे दस साल से दीदी है उसके पहले कांग्रेस थी तो हम तो कभी नहीं तो हमारे बारे में कोई कैसे कह देगा वहां पर अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप तमाम टीएमसी अच्छा, ऐसा कर ले ऐसा बताए जी बताइए कुछ बोल रहे थे आप बताइए बताइए बोल रहे थे कुछ बहुत दिनों बाद हम लोगों का ये भी आपकी कृपा से संभव हुआ है आपने कृपा करिए तब नहीं नहीं कृपा तो खैर ऊपर वाले की है हर जगह लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था आपके आपके कॉन्फिडेंस को लेकर आपके आपके कॉन्फिडेंस को लेकर थोड़ा सा तनाव हो जाता है दूसरी पार्टियों को उत्तर प्रदेश में आपका कॉन्फिडेंस था मध्य प्रदेश में जब उपचुनाव हुए सरकार बनाने की बात हुई तो वहां पर भी आपका गजब का कॉन्फिडेंस था हालांकि कमलनाथ तो नहीं समझ पाए समझ लेते तो दुर्घटना नहीं होती अब पश्चिम बंगाल में आपका कॉन्फिडेंस है अड़तालीस सीटों की भले ही आपको जिम्मेदारी है लेकिन नब्ज मुझे लगता है पूरे प्रदेश की आपको पता होगी जरा बताइए हकीकत में हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं अभी पर क्योंकि परिणाम आएंगे तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा इसका मेरी और आपकी प्रदेशों को लेकर संवाद होता रहता है जी और ये पिछले करीब तीन पांच सात साल तो हो ही गए अलग अलग प्रदेशों के उपचुनाव के राज्यों के चुनाव के जी मुझे ध्यान नहीं आता कि मेरा कभी आंकलन गलत निकला होगा जी 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 मुझे भी कुछ आज होता तो आपके है। इंडिया न्यूज चैनल पे पूरे विश्वास से कहता हूँ जी पश्चिम हाँ पश्चिम बंगाल में अब की बार दो पार अब की बार दो पार लेकिन सरकार बना लेंगे मतलब आप अपने अपने दम पर सरकार बना लेंगे दो त्याई हो गया दो सौ अच्छा एक चीज बताइए आपने अभी कहा कि वहां पर रेत माफिया शराब माफिया चिटफंड माफिया तमाम सारे माफियाओं के नाम गिनाए लेकिन टीएमसी के लोग वही कह रहे हैं कि साहब आप हमारे सारे नेताओं को ले जा रहे हैं उन नेताओं को लेकर जा रहे हैं उन मंत्रियों को लेकर जा रहे हैं उन विधायकों को लेकर जा रहे हैं उन सांसदों को लेकर जा रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ही लगाती थी तो अब जब वो हमारी पार्टी में थे तब वो भ्रष्टाचारी थे वो करप्शन में नहाए हुए थे अब जब वो बीजेपी में चले गए तो कौन सी गंगा में नहा के एकदम पवित्र हो गए ये सबसे बड़ा सवाल टीएमसी के नेता पूछ रहे हैं नहीं, वो क्या बाद में पूछते हैं तो उनकी बात में दम नहीं बचती है अच्छा वो पहले उनको कहें तो समझ में आती है हाँ। हमारे वो बाद में कहते हैं तो इसलिए उनको दिक्कत आती है ये और मैं बता रहा हूँ आपको मनोज जी बहुत हालत खराब है इनकी ये पीके है क्या नाम है उनका उनके भरोसे चुनाव लड़ रहे है ये जो जिन्होंने अभी बिहार में उनकी सरकार तेजस्वी की बनवाई थी, हाँ बड़ी जल्दी नाम भूल गए आपके साथ भी थे लोकसभा बनवा रहे थे वही ममता हाँ एक ही बार रहे हैं वो उनको वहीं से तो ये गलत फहमी हो गई कि वो सरकारें बनवाते हैं अच्छा और उसके बाद हम लगातार जीत रहे हैं उनका ज्ञानवर्धन कर रहे हैं आप ही उसके बाद हम लगातार जीत रहे हैं और उस, उनके बाद से ज्यादा सीटें ला रहे हैं ये जब कोई बैलगाड़ी के नीचे चले तो उसे भ्रम हो जाए कि बैलगाड़ी उस पर चल रही है वैसी स्थिति रहती है तो में नहीं रहना चाहिए बैलगाड़ी के नीचे कौन और चलता है कोई भी अगर पैसे लेके कोई है बैलगाड़ी के नीचे कौन चलता है, है? तो उसे राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए उसे राजनीतिक प्रतिक्रिया जो भी चलता हो कहावत है पर राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए उन्हें कि भाजपा सौ के अंदर से मिट जाएगी या तीन अंक नहीं ला पाएगी वो अपना काम करें अच्छी बात है पर राजनीतिज्ञों के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए उन्हें नहीं लेकिन लेकिन उनको उनको जैसे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर भरोसा है ठीक है।, है वैसा ही भरोसा पीके को अपने ऊपर है और वो कह रहे हैं कि अगर मैंने जो कहा है अंकों को लेकर नंबर्स को लेकर अगर वो सही नहीं हुए तो मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा अपना जो धंधा जो काम करता हूं वो छोड़ दूंगा क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति कोई भी सांसद कोई भी विधायक ये दावे के साथ कह सकता है कि अगर वो नहीं हुआ और तो वो राजनीति छोड़ देगा नहीं, वो पैसे लेके काम कर रहे हैं उनसे तुलना क्यों कर रहे हैं किसी की आप एक एक एक, एक पैसे लेके काम करने वाले से राजनेताओं की तुलना कैसे करेंगे और उनके बयान पे हमारा बयान क्यों दिलवा रहे हैं आप नहीं उसने चैलेंज किया किसी राजनेता पे राजनेता का बयान दिलाओ पीके दिला चैलेंज किया पीके तो तो ने दावा किया पीके ने चैलेंज किया नहीं उसके चैलेंज पे हम जवाब कैसे देंगे दावा किया वो ठीक बात है पर उसके दावा पे हम दावा क्यों करेंगे हमारा अपना दावा होगा ना अच्छा हम उनके ऊपर क्यों बोलेंगे एक पैसे लेके काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर आपने अपने दावे की बात की हमें क्या किसी भी नेता को नहीं बोलना चाहिए आपने अपने दावे की बात की और टीएमसी दबाव की बात करती है टीएमसी कहती है कि बीजेपी अपने दावे की बात तो करती है लेकिन दबाव भी दिखाती है दबाव इनकम टैक्स का दबाव ईडी का दबाव सीबीआई का जिसके कारण टीएमसी के नेताओं में खलबली हो गई